शहीर अहमद का घर यही? वालेकुम सलाम। आप तो बिल्कुल ठीक हैं, मुझे तो लगा पता नहीं किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए होंगे। मुश्किल में तो मैं हूं, और उस मुश्किल से मुझे सिर्फ तुम निकाल सकती। मजाक कर रहे हैं आपने तो मुझे मेरी मुश्किल से निकाला था, तो मैं आपको कैसे निकाल सकती हूँ आपकी मुश्किल से? खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जो तुम कर सकती हो वो इरहा भी नहीं कर सकते। सज्जल, हर चीज की कीमत होती है जिसे अदा करना होता है। तुम्हें भी आज की कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? उस एहसान की कीमत जो मैंने तुम पे किया था। क्या करना होगा मुझे? कर सकोगे? इनकार नहीं चलेगा। मैं कुछ समझी नहीं। ऐसे नहीं समझोगे तो जस्ट वेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रहा बेटा, ये कुछ तस्वीर है स्टेज की सजावट के लिए। तुम पसंद कर लो कि माइयों में कौन सा सही रहेगा। बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये यहां से ये सारी माइयों की तस्वीर है। ये देखो, ये सारे डिजाइन क्या फ्रेश फूलों के बने? हाँ बेटा, बिल्कुल ताजे फूल होंगे। मैं तो सोच रहा हूँ बेटा कि ताजा फूलों का एक झूला बनवाए, बल्कि ऐसा करेंगे कि डोली बनवा के उसको ताजा फूलों से सजाएंगे। तुम तो उसमें बैठ के कितनी अच्छी लगोगी। जिसमें भी आपकी खुशी हो मुझे वही डिजाइन पसंद है, लेकिन हम ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करेंगे। अरे नहीं बेटा, मैं ये चाहता हूँ तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से हो, लोग देखें और किसी भी शय की कमी ना हो। आपके होते हुए मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। एक बात कहूँ? बोलो। शादी के अखराजात के बाद जितने भी पैसे बचेंगे वो मैं नहीं दूंगी। ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया इस वक्त? चचा जान, शहीर ने भी सख्ती से मना कर दिया कि मैं अपनी खुशी और मर्जी से भी उस घर में एक चीज नहीं लाऊंगी। और फिर हम फजूल खर्ची क्यों करें? ये सारी रकम आपके काम आ जाएगी। आप इन पैसों से एक और बड़ा स्टोर बनाएंगे। आपका भी तो ख्वाब था ना ये? बेटा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मुझे मना नहीं कर सकते, वैसे भी अब इस घर में मैं सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हूँ। अच्छा, ये बात बाद में करेंगे, अभी तुम डिजाइन पसंद करो, हैं? थैंक यू चाचा जान, मुझे यकीन था कि आप मुझे कभी भी इनकार नहीं करेंगे।